जीएसटी में कॉम्बो पैकिंग को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है, ग्राहकों और दुकानदारों को क्या दिक्कत आ रही है, अहमदाबाद से बता रहे हमारे सहयोगी केतन जोशी। अहमदाबाद की सपना बेन रक्षाबंधन पर अपने भाई को इस मिठाई शॉप से एक कॉम्बो पैकिंग भेज रही है। सपना बेन को इस कॉम्बो पैकिंग पर 28% जीएसटी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पैकिंग में 250 ग्राम का एक चॉकलेट भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चॉकलेट से ज्यादा मिठाई और नमकीन है जिन पर जीएसटी रेट कम है, लेकिन इसकी वजह ये है कि पैकिंग में जो सबसे ज्यादा टैक्स वाला आइटम होगा उसी हिसाब से पूरे पैकेट पर जीएसटी लगेगा। अगर आप पैकिंग करके देते हो तो वो तो आप डिजाइन अपना प्रोडक्ट बेचने ले करते हो तो वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर लूज में लेते हो वो भी सही प्राइस होनी चाहिए, और पैकिंग हो तो वही सेम प्राइस होनी चाहिए, अलग अलग जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और नुकसान हमें ही होता है कस्टमर को। आपको बता दें कि मिठाई, नमकीन, चॉकलेट और बेकरी आइटम्स पर अलग अलग जीएसटी है। मिठाई पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि नमकीन पर 12%, बेकरी आइटम्स पर 18% और चॉकलेट पर 28% जीएसटी लगता है। आपने किसी को गिफ्ट देने या घर के लिए कॉम्बो पैकिंग कराई और उसमें चॉकलेट को भी शामिल किया तो आपको 28% जीएसटी चुकाना होगा। बाइफरकेशन अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है, पर हम लोग अभी तो ऐसे कर रहे हैं कि जो चॉकलेट है तो 28% का हम चॉकलेट रखते हैं, हम लोग अभी ऐसा करते हैं कि अभी सब 28% में जाता है। त्योहारों के मौके पर स्वीट्स देने का रिवाज है, लेकिन जीएसटी की इस पहेली के चलते स्वीट्स का स्वाद फीका पड़ गया है। जीएसटी के बाद मिठाई और नमकीन के ऊपर अलग अलग टैक्स है, इससे ग्राहक थोड़ा कंफ्यूजन महसूस करता है। टैक्स देने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन एक समान अगर टैक्स हो तो उससे थोड़ी सरलता आ जाती है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।